بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عزيز طلب إكرام. सबक नंबर एक सौ चौसठ सूर इसरा आयत नंबर उनत्तर उनसठ ये सूरत का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से का हासिल ये है कि इनकार मिनल आयात ये भी सबब आज़ाब है आयात समजात यानी जिस तरह पहले हिस्से के अंदर इस मजमून का ज़िक्र था कि शर्क के मशतर्रा और माशियती मशतर्रा सबब आजाब है जैसे कि बनी इसराइल के अंदर शर्क और गुना आम हुए और शिरक और गुना पर वह कौम डटी रही तो अल्लाह ने आज़ाब मुसलत किया जालूतियों की शक्ल में पुख्त नसर की शक्ल में और बाद में सहबा इक्राम के दौर में भी यहूदियों पर अजाब आया और जसर अरब से निकाल दिए गए दरमियान में अमूर मुदाफआल लाजाब का ज़िक्र था जो कुछ अवामिर और कुछ नवाही की सूरत में और उसके बाद फिर मसाइले अरबा का जिक्र था तो ही रसालत कुरान कियामत कि इन से इनकार न करो और ना अजाब आएगा ऐसे हर धर्म लोग जो कुरान से इस्तेज़ा और रसूल से और क़ियामत से इस्तेज़ा करते थे उनको तरीक़ा दावत का जिक्र था जो अहसन अंदाज के साथ बेहतरीन अखलाक के ज़रिए जवाब तुर्की बतुर्की न दिया ताकि ज़िद्द में और हर हटदर्मी में कमी आए अब दूसरा हिस्सा है कि जिस कौम ने आज मुजाद से किया और मौजे की तोहन की और मुजाद का इनकार और उनकी बेहरमती की तो अल्लाह तबारक व ताली ने उस कौम को भी तबाह और बर्बाद किया है और इन आयात के अंदर गोया कि मजदात की तोहन और बेकदरी को सबब आज़ाब करार दिया जा रहा है ये सूरत का दूसरा हिस्सा है आयत नंबर उनसठ से लेकर वामा अनुरबिल आयातजाबलू यहाँ से लेकर आयत नंबर बहत्तर तक ये दूसरा हिस्सा है वामन का नफी फिहदी आमा फहफिल आखिरत आमा व अज़लसबीला वमामना अनसलबिल आयात अनकदबील आयत का माकबल सरबाती है कि चूँकि माकबल में दावत का मसला चल रहा था और उनको दावत दी जा रही थी जिसके अंदर ये बात थी कि बात मान लो अल्लाह तुम्हें अजाब से बचाएगा अगर बात ना माने तो यु अज़ब कुमल्ला सजा देगा उन्होंने कहा कि हम जब सज़ा दी जाएगी तो हमारे आलिया जो है हमारी मदद करेंगे जवाब दिया कि फ़लाई अम्लिकुनः कशफ रुम वाला तहवीला वह अजाब से तुम्हें नहीं बचा सकते वो तो ख़ुद महताज है उलाइक लदीन यदून अब तगोन अला और बमसीला इस आयद के अंदर कल ये बात जिक्र की थी कि यदौनायल्ल लदीन ये मशरकिन लोग हैं और यहना का मफूल महजूफ़ है जो कि हम ज़मीर है उलायकल्ल लदीन ये मशरकिन लोग ये वो लोग हैं यदूना जो पुकारते हैं हम इन अवलिया को बुज़ुर्गों को या फरिश्तों को और यब तगोना को हाल बनाया जाए हम जमीर से और जिनको ये पुकारते हैं ना अलिया और बुज़र्ग और अम्बिया वो यब तगोनालबीमसी वो अपने रब के पास तो क़ुरब ख़ुद चाहते हैं वो ख़ुद महताज हैं वो यर्जुन रहमत अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह के आजाब से डरते हैं तो वो कैसे तुम्हें बचा सकेंगे जो ख़ुद महताज हैं जो अल्लाह के आजाब से डरते हैं उन अवलिया और बुज़ुर्गों को तुम पुकारते हो वमामा अनास है इस मसले का जिक्र है फिर दूसरी मसला था कि जिस अजाब से तुम डराते हो तो आजाब ले आओ तो जवाब दिया था आयत नंबर अठावन के अंदर कि आदाब अपने वक्त मकर पर आएगा काना दाली कफ़िल किताब मस्तूरा ये किताब मस्तूर के अंदर यानि किताब में लिखा हुआ है वह मामन आना से किसी के ख़्याल में ये बात आ सकती है और उस का जवाब है शुभ का कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि मनकरीन के जो मतालबात हैं और उनके मुतालबात मनवाए जाएँ और मान लिए जाएँ और जो ये चाहते हैं तो वो चीज़ें इनको दे दी जाए जैसे कि मशरकिन मक् कहते थे कि सफ़ा पहाड़ी को सोने की बना दिया जाए और इस तरह मक् के पहाड़ों को हमवार कर दिया जाए बिल्कुल एक सहरा मैदान हो और इसमें बिल्कुल हम काश करें ज़मीन काबिल काश और ज़रात के काबिल हो जाए और दरमियान में नहरें जारी हो तो ये इनके मुतालबात पूरे कर दिए जाते तो ये आसान तरीका था और ठीक तरीका था जिससे ये लोग हिदायत पर आ जाते तो मनाना से इस सवाल का और इस वहम का जवाब है कि मौजात मतलूबा के साथ ये लोग भी ईमान नहीं लाएंगे उसकी वजह यह है कि इनके अंदर ज़िद्द और हट दर्मी है और यही मौजात मतलूबा पहली कौमों को कौम समूत को भी दिया था जो कि ऊँखनी थी और उनके मकसद के मुताबिक उन्होंने कहा पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा की जाए और वो पैदा की गई तो उन्होंने फिर उसकी गुस्ताखी बेदबी की और उसको जख्मी किया और क़त्ल किया तो वो आज़ाब के मुस्तक बन गए अगर इन मक् वालों पर भी ऐसे मजदात जैसे ये चाहते हैं आ जाएं और ये फिर भी तकजीब करेंगे तो फिर सफ़ा हस्ती से इनको मिटा दिया जाएगा और इनको बाकी न रखा जाएगा इसलिए आयत का मफहम यह है कि हम इनको मतलूबा मुजात इसलिए नहीं देते ये तकजीब करेंगे और तकजीब की सूरत में फिर इन ये अजाब मिलेगा इनको हमने आ, और क्योंकि मानेंगे नहीं हैं तो इसलिए इनको मोहलत दी और ताखिर दी है मतलूबा मुजात इनको नहीं दिए वमाम आना और नहीं रोका हमको नरसल बिल आयात कि हम भेजें बिल आयात माना मुजात को निशानियों को जैसे ये चाहते हैं कि सफ़ा पहाड़ी सोने की हो जाए और मक्के के पहाड़ हमवार मैदान हो जाएँ अलाकदलू ये फाइल है मामनाना का मगर इस बात ने माना किया है कि झुटलाया है इनजात को अलाूँ पहली कौमों ने और जब उन्होंने इनकी तकजीब की है तो उन पर सज़ा आई है और वो फिर वक़्त जैसे ही इनकार हुआ तो फ़ौर सफ़ा हस्ती से मिटा देगी मिटा दिए गए वो बाकी न रहे अगर ये भी ऐसा करेंगे ऐसे मुजजात इनको दिए जाएँ तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे व आतई ना मिसाल देखें कि हमने दिया समूदियों को अनाकता ऊँटनी मुबसरता बिल्कुल वाज एक वाज मुआजा था जो बिल्कुल पहाड़ पत्थर से निकाला गया था और उनको नज़र आता था फ़जलमू बिहा तो इन्होंने म किया बेहा उस ऊँटनी के ऊपर लम से मरा दिए कि उसका इनकार किया और उसको ज़ख्मी किया तो फ़ज़लमू बिहा माना इनकार किया इन्होंने बेह उस नाक़ है और इस इनकार की वजह से उनके ऊपर आज़ाब आया और वो ख़त्म हो गया फिर सवाल पैदा होता है कि ये पहली कौमों को मतलूबाजात अल्लाह देता क्यों है तो उसका जवाब यह है कि कौमों को डराने के लिए ताकि अल्लाह के, के अजाब से डरो और ईमान ले आएँ वमानसल बिल आयाती और हम नहीं भेजते बिल आयात माना मतलूबाजात को अल्ला तखवी मगर डराने के लिए ताकि वो डर जाए लेकिन चूँकि डरते नहीं हट धर्म और ज़िद हैं ज़िदी हैं इसलिए अजाब के मुस्तक बन जाते हैं व ्कनास लक़ा इन न का हाथ व्नास से ये बात जिक्र की जा रही है कि ये इनका ये ख्याल कि हमें मतलूबा मुजात नहीं दिए गए ये बात में ये झूठे हैं क्यों नहीं है ये पहले नबी आई सलात वाम से मुतालबा करते थे कि आप आसमान की तरफ कोई सीढ़ी लगाएँ और ऊपर जाकर हमारे लिए कोई वहाँ से किताब और पैगाम ले आएँ तो आप आ सलातम को माराज में ऊपर ले जाएगी आसमानों की तरफ़ ये आपका मुआजा है और इससे ये इनकार करते हैं इस तरह इन्होंने दरख्तों का मुतालबा किया कि हमारे लिए बागात और दरखत तो जब कुरान में इस मसले का ज़िक्र किया कि जहनम के अंदर एक दरख्त है तो इन्होंने इनकार और उसके साथ इस और मजाक शुरू किया पहले बागात मांगते थे और उन जैसी इनको बात जब कही गई तो उससे इसतज़ा और मजाक करने लगे तो मतलूबा मजात तो इन मक् वालों को भी दिए हैं लेकिन उन्होंने इन्होंने उसकी तोहन की और बेहरमती की है और गुस्ताखी की है वहीकुलना और जिस वक़्त हमने कहा लका आप से पैगम्बर इन न रब का बेश तरब अहाात बिन्ना से घेर लिया है लोगों को माना अल्लाह ताला कब्जे में है ये सारी कायनत आपको ये कुछ तकलीफ़ नहीं दे सकते अहाात बन्नास का माना हास का आय का बचाया है आपको आयलु का कि ये तुझे कत्ल करे ये नहीं तुझे तकलीफ़ देने और कत्ल करने से ये नहीं कर सकते अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाई है मान खुल कर मसला बयान कर आसामा का आई का अकलुका यबारत इब्न जरियर की है और जिस वक़्त हमने कहा तो इन रब्ब का रब का बेश तो रब हाथिननास के घेर लिया अल्लाह अल्ला तब नासी लोगों को मान अल्लाह के कब्ज़े में है वो तुझे सज़ा नहीं दे सकते अज़ाब नहीं दे सकते वमा जाल नर्रोल्लती और नहीं बनाया हमने अर्र या उस दीदार को अति अरैना का जो हमने आपको दिखाया अफिता तन मगर वह इम्तहान तलेना से लोगों के लिए इस रोया से मुराद वो मेराज है और रोयास है से ये कोई ना कहे कि रोया तो ख्वाब में दिखाने को कहते हैं आरा रो या बल्कि र आ या ये दोनों मानों में इस्तेमाल है बमाना हालत यकज़त और बेदारी के अंदर देखने को भी रोया कहा जाता है आँखों के साथ देख और ख्वाब के अंदर देखना भी ये रोया रो या मजदर इस्तेमाल होता है इमाम बुखारी की रिवायत है यह रो या आयिन उ रसूल सल्ला वल् बुखारी ये बिल्कुल आँखों का देखना मुराद है और नबी रलाम को ये मराज में जन्नत जहन्नम और आसमानों की सैर बिल्कुल हालत बेदारी में कराई गई है तो गोया के महराज के ऊपर दलील के आप सल्ह का मराज रूहानी और जसदानी यानि रूह माल जसहद और हालत यकज़त और बेदारी के अंदर किया गया है ये आयत भी दलील है और सूर नजम की आयत भी दलील है व मा जाल नरु आरैना का अफित फित माना इम्तहान ने ना से लोगों के लिए कि इस पर कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाया वह शजरत अलमलूनता और वह दरखत अलमलूनत जिस पर लानत भेजी गई है फिलक़ुर कुरान में और वह शजरतुल जक्म है सूरत शाफ़ात के अंदर इन्हा तखरजुफ़ी असलहीम की वजहनम के तह में उगता है और इन्होंने फिर उसके साथ इस मज़ाक किया कि एक देखो नहीं पैगम्बर कैसी बातें करता है एक तरफ से सबज दरखत हो और फिर वो जहनम की आग के अंदर हो आग उसको जलाए ना हम तो कहते हैं नहीं ये मजनून और पागल है तो वही बात है तो हालांकि इनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला कादिर है आग के अंदर वही ज़ात है जो आप पानी से आग पैदा करता है और आग से पानी और आग के अंदर वो सबज दरखत बनाने पर कादिर है और दूसरा मतलब ये है कि वो दरखत तो जहनमी के खून और पीप से बना हुआ गर्म जो उनके खून और पीप जिसम से निकलते हैं उसका दरखत है उसकी वो शाखें हैं वह शजारतमत और वह दरखत के लानत भेजी गई उसके ऊपर फिर कुरान कुरान में वो भी मुजज़ा है वनुब्बी फुम मौजात का मकसद किया है कि हम इन लोगों को डराते हैं मौजात के ज़रिए लेकिन फमाए अज़ीरम अला तो्यान कबीरा बजाए इसके कि वो डर जाएँ और वो ईमान ले आएँ वो नहीं होता बल्कि नहीं बढ़ाता उनके लिए ये मौजात का आ, या ये डराना और मौजात का उतारना अला तान मगर इनकार कबीरन बहुत बड़ा यह तान माना सरकशी वही इनकार मुराद है इनके अंदर सरकशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुफर में और ज़्यादा हो जाते हैं शिरक में और फिर खिलाफ हो जाते हैं मायाजी की जमीर तखफीफ़ की तरफ लौट रही है फोमाजीम ये मौजात का उतारना यही मौजाद के साथ डराना ये नहीं बढ़ाता हम इन लोगों के लिए अला कबीरा मगर बहुत बड़े सरकशी यानी इनकार व इसकमलाकत जदोल आदम फ़सा जदोल्ला अबलिस यहाँ वाक़ आदम और इब्लिस का जिक्र है दोबारा और इस वाक़ का मकसद यहाँ पर यह है कि जैसे कि नाक़ा मुआवजा था समूदियों के लिए वो ऊँटनी और नबी सलाम का महाराज ये मुजह है और शजर मलूना ये भी मुजज़ा है तो इस तरह आदम जो है ये भी आयतुमिन आयातल ये भी अल्लाह ताला का एक मौजा है और वो मुजह ये है कि वो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुआ है तोजादात का इनकार शुरू से हुआ अबलिसाना शैतान ने मुजा का इनकार किया हज़रत आदम का उसके बाद उसकी जो ज़रूरत है मश्रकिन और काफ़िर और शैतिन अमिनसिन वो भी मौजाद का इनकार करती आ रही है गोया के ये मक् वाले ऐसे हट दर्म और ऐसे जिद्दी हैं कि ये शैतान जैसे फसाद डालने वाले हैं शैतान ने आदम का इनकार किया उसके साथ दुश्मनी की और हट दर्मी पर उतरा और बात न मानी तो ये मक् वाले भी बात नहीं मानते ये शैतान जैसे हैं इस आयत का माकबल से गोए की ये रबत है वाह और जिस वक़्त हम निकालमलाइकत फरिश्तों से उस जुदोस सदा करो ले आदमा माना आदम की तरफ तो फसा जदूस सद के सब ने अला इबलिस मगर इबलिस ने न किया काला बाकी इसकी तफसील पिछली आयात में गुजर चुकी है काला इबलिस ने कहा आस जदू क्या मैं सजदा करूँ ले उस शख्स को खलता के एल्ला तू ने इसको पैदा किया तीन माना मिन तीन इन मट्टिस से या मिन महजूफ़ है या तीन हाल बनता है खलता में ताजमीर से तो माना यह कि खलकता तू ने पैदा किया हुआ आदम को खल तो हु है ज़मीर सिले के अंदर लेमन मौसू है और ख़ल तो हु जो फैल है उसके अंदर सिले की ज़मीर हजफ है ख़ल तो हो तो माना यह है कि पैदा किया है अल्लाह तो ने हो आदम को तीन इस हाल में कि यह कीचड़ और मिट्टी था तो माना ऐसी हकीर चीज़ है कि जो मिट्टी से और कीचड़ से पैदा और मैं उसको सज्जा करूँ मैं तो अनखैर उमिन हूँ मैं आँख से पैदा हूँ और मैं बेहतर हूँ कला शैतान ने कहा और मुझे समझा एल्ला मुझे बता और मुझे समझा हादल लदी ये वो शख्स है कर्रम था कि तूने इसको इज़्ज़त दिया ले ये मुझ पर और यहाँ हाजा तहकीर के लिए इसको देखो ये मट्टी से और कीचड़ से और बदबू से पैदा है और मैं मुझ पर इसको इज़्ज़त दी है और मकाम दिया है और मैं इसको सजदा करूँ ये कैसा हो सकता है लीन अखरतनी ला ओमनक़्यामत लाह तनी करना ज़रूरीत लाख कलीला बखुदा अगर तूने मुझे मोहलत दे दी इला इलायम क़ियामत क़्यामत के दिन तक अगर मैं ज़िंदा रहा और मेरी नस्ल जिंदा रही और तूने मुझे मोहलत दी जिंदा रखा तो लाख्ता करना ज़रूरी है तो खलीला मैं लगाम में डालूँगा काबू में रखूँगा इसकी औलाद को मगर बहुत कम यानी एहतनाक कहते हैं घोड़े को घोड़े के मुँह में लगाम देना आख्तना का यहन को एहतनाक का माना ये या यातनाक का माना जड़ से काट देना किसी चीज़ को बिल्कुल जड़ से निकालना तो माना ला आहता करना ज़रूरी तो मैं इसकी नस्ल को गुमराह करूँगा और जड़ों से काट कर निकाल दूँगा मैंने उनकी बिल्कुल आ, उनको दीन और इस्लाम पर नहीं छोड़ूँगा इल्ला कलीन मगर बहुत कम या ये है कि मैं काबू में पाऊँगा इसकी नस्ल को मेरे काबू और कंट्रोल में होंगे ये तो मेरी मुठ्ठी में है और ये मेरी मुठ्ठी से किधर जाएँगे लली मगर बहुत कम खाल तबारक व तौला ने कहाब जा जन्नत चल दफा हो जाए इधर जन्नत से निकल जामन तब आमिन हम फमन तब का जो तेरी पे